नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ सचखंड COVID-19 स्पेशल ट्रेन के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन पर क्लिक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कोई पसंद की वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएँ। दोस्तों, ये ट्रेन अमृतसर जंक्शन से हजूर साहिब नांदेड़ तक चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 027-16। ये ट्रेन 34 घंटे 30 मिनट में अपनी दूरी कवर करती है। टोटल दूरी जो ये ट्रेन कवर करती है वो है 2081 किलोमीटर। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड है 60 किलोमीटर पर आर और इसके तकरीबन 38 स्टेशन हैं। यह डेली ट्रेन है दोस्तों, हफ्ते के सारे दिन चलती है। अब बात करते हैं इसके टिकट किराए की। सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास, सेकेंड सीटिंग के डिब्बे अवेलेबल हैं। सेकेंड एसी का किराया है 3030 रुपये, थर्ड एसी का किराया है 2095 रुपये, स्लीपर क्लास का किराया है 805 रुपये, सेकेंड सीटिंग का किराया है 495 रुपये। दोस्तों, एक बार फिर भी आप किसी भी रेलवे की वेबसाइट पर जाकर जरूर इसका किराया चेक कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इसके टाइम टेबल और इसके स्टेशनों के बारे में। ये ट्रेन अमृतसर जंक्शन से रोजाना सुबह के 5:30 पर रवाना होती है। अगला इसका स्टेशन आता है ब्यास जंक्शन, जहां पर ये सुबह के 5:38 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है जालंधर सिटी जंक्शन, जहां पर ये सुबह के 6:38 पर पहुँचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है फगवाड़ा जंक्शन, जहां पर ये सुबह के 7:01 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है दोस्तों लुधियाना जंक्शन, जहां पर ये सुबह के 7:45 पर पहुंचती है और 10 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है खन्ना, जहाँ पर ये सुबह के 8:35 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है सरहंद जंक्शन, जहाँ पर ये सुबह के 8:53 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है दोस्तों राजपुरा जंक्शन, जहाँ पर ये सुबह के 9:12 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है अम्बाला कैंट जंक्शन, जहाँ पर ये सुबह के 9:55 पर पहुँचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसके बाद ये अपने अगले स्टेशन कुरुक्षेत्र जंक्शन पर पहुंचती है सुबह के 10:36 पर और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है करनाल, जहां पर ये सुबह के 11 बजे पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है पानीपत जंक्शन, जहां पर ये सुबह के 11:29 पर पहुँचती है और 3 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है नई दिल्ली, जहाँ पर ये दोपहर के 1 बजे पहुँचती है और 20 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है फरीदाबाद, जहाँ पर ये दोपहर के 1:46 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है मथुरा जंक्शन, जहाँ पर ये दोपहर के 3:23 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है आगरा कैंट, जहाँ पर ये शाम के 4:10 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है धौलपुर जंक्शन, जहां पर ये शाम के 5 बजे पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है मोरैना, जहां पर ये शाम के 5:25 पर पहुंचती है और इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। अगला इसका स्टेशन आता है दोस्तों ग्वालियर जंक्शन, जहां पर ये शाम के 6:11 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है डबरा, जहां पर ये शाम के 6:51 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है झांसी जंक्शन, जहां पर ये शाम के 7:46 पर पहुंचती है और 10 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसके बाद ये अपने अगले स्टेशन ललितपुर जंक्शन पर पहुंचती है शाम रात के 9 बजे और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है पीना जंक्शन, जहाँ पर यह रात के 10:28 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है दोस्तों भोपाल जंक्शन, जहां पर ये
रात के 12:10 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है इटारसी जंक्शन, जहां पर यह रात के 1:50 पर पहुंचती है और 10 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है खांडवा जंक्शन, जहां पर यह सुबह के 4:17 पर पहुंचती है और 3 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है बुरहानपुर, जहां पर यह सुबह के 5:18 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है भूसावल जंक्शन, जहां पर यह सुबह के 6:25 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है दोस्तों जलगांव जंक्शन, जहां पर यह सुबह के 6:53 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है पछोरा जंक्शन, जहां पर ये सुबह के 7:31 पर पहुंचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है 40 गांव जंक्शन, जहां पर ये सुबह के 7:53 पर पहुंचती है और यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। अगला इसका स्टेशन आता है दोस्तों मनमाड़ जंक्शन, जहां पर ये सुबह के 9:25 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है औरंगाबाद, जहां पर ये सुबह के 11:20 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है जलना, जहाँ पर ये दोपहर के 12:23 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है सेलू, जहाँ पर ये दोपहर के 1:09 पर पहुँचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है परभनी जंक्शन, जहाँ पर ये दोपहर के 2:08 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है पूर्णा जंक्शन, जहाँ पर ये दोपहर के 2:43 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। आखिरी जो इसका स्टेशन आता है दोस्तों वो है हजूर साहिब नांदेड़, जहाँ पर ये शाम के 4 बजे पहुँचती है और यहाँ पर पहुँच के ये ट्रेन अपनी यात्रा समाप्त कर लेती है। इसी के साथ इस ट्रेन की वीडियो की जानकारी समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें दोस्तों। धन्यवाद।